आज आईपीएफ कम्युनिटी का बंद के बारे में आप लोग को मीडिया को बुलाया, साथ साथ आप लोग कॉपरेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आईपीएफ कम्युनिटी से 23 मार्च को रैली किया है, मास रैली किया है। उसी दिन में हम लोग मेमोरेंडम दिया है असम गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, रोव मिनिस्टर एंड अदर डिग्निटरीज लोग को मेमोरेंडम दिया है। विद इन 10 अप्रैल का अंदर में हम लोग को आईपीएफ का ले टॉक, यदि रेस्पॉन्ड नहीं होगा हम लोग इंडिफिनिट बन कॉल होगा बोलकर हम लोग लिखित रूप से भी दिया है, सोशल मीडिया से भी दिया है। वैसे दिन हम लोग 10 अप्रैल में आईपीएफ कमिटी मीटिंग बैठाया, तो डिसीजन 10 तक में कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया, इसके लिए आईपीएफ कमिटी डिसीजन लिया है 26 अप्रैल में इंडिफिनिट बंद होगा। उसका अंदर में कोई गवर्नमेंट का तरफ से रेस्पॉन्ड नहीं मिलेगा तो इंडिफिनिट बंद कॉल होगा बोल हम लोग डिक्लेयर कर दिया। तो भी कल 24 अप्रैल में असम गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को आईपीएफ कमेटी को इनवाइट किया है टॉक करने के लिए, आईपीएफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आज आईपीएफ कम्युनिटी मीटिंग किया है 25 अप्रैल आज मीटिंग किया है। तो आईपीएफ डिसीजन लिया है अप टू 9 मई तक में हम लोग बंद कॉल तो विद्रॉ करेगा और अपहोल्ड करेगा। तो भी 9 मई में जो टॉक फ्रूटफुल नहीं होगा हम लोग प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा बोल के डिसीजन लिया। तो आज आईपीएफ का डिसीजन आप लोग को जनाया है, असम गवर्नमेंट को जनाया है। हम विश्वास है, अनुरोध है 9 मई को आईपीएफ का टॉक में जरूर सॉल्व होगा, जरूर फ्रूटफुल होगा बोल के हम असम गवर्नमेंट को अनुरोध करता है। थैंक यू। में हम लोग को बातचीत किया है तो भी उसमें फ्रूटफुल नहीं हुआ बोल के रेजोल्यूशन, जैसे हम लोग बातचीत किया उसे मुताबिक प्रोसीडिंग आउट नहीं हुआ बोल के हम लोग लिखित रूप से ऑब्जेक्शन किया है। तो इसके लिए इस बार जैसे जैसे फ्रूटफुल होना चाहिए, अगर नहीं होगा हमारा एजिटेशन कंटिन्यू चलेगा। जरूर होप करता, हम गवर्नमेंट से आसरा करता, अनुरोध करता, जरूर फ्रूटफुल होगा, फ्रूटफुल होगा। डिमांड टू है नंबर वन हो गया इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट बाइपार्टिशन विद ऑटोनोमस काउंसिल, नंबर वन। नंबर टू पीआरसी है तो भी नंबर वन हमारा इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट बाइपार्टिशन विद ऑटोनोमस काउंसिल मिलना चाहिए इमीडिएट।